अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है हमारे आज के स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर, यानी मकर राशि में भगवान सूर्य के प्रवेश होने पर जो एक विशेष खगोलीय घटना है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति का पर्व, क्या क्या उस दिन करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही हम 12 राशियों पर इसके प्रभाव यानी राशिफल की भी चर्चा करेंगे। क्या विशेष संयोग इस बार बन रहा है? यूं तो हर संक्रांति का एक अपना महत्व होता है और संक्रांति को लेकर स्पेशल जो वीडियोज है मैं पहले भी आपके लिए उपलब्ध करा चुका हूं कि संक्रांति पर क्या क्या चीजें ऐसे हैं जो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आज भी हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सब विस्तार देखने के लिए आप उस वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो यहां पर कब से कब ये घटना रहेगी या एक जो क्रम है खगोलीय घटना का, और क्या स्पेशल रहेगा, कौन सा इसका मुहूर्त रहेगा, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और राशिफल की चर्चा हम लोग यहाँ पर सविस्तार करने वाले हैं। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार आज हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को अपना प्यार स्नेह के रूप में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही आगे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर। यहाँ पर देखो, समय को लेकर अगर हम बात करें तो 2:20 लगभग जो है ये समय है जब परिवर्तन करेंगे धनुराशि से मकर राशि पर। आप सब जानते हैं कि अभी धनुराशि पर जब सूर्य का संचरण था, यानी इस महीने को खर मास के रूप में भी देखा जाता है, जैसे ही भगवान सूर्य राशि जो है मकर पर प्रवेश करेंगे या शनि की राशि पर, ऐसे ही सूर्य उत्तरायण में हो जाते हैं और एक विशेष परिवर्तन खगोल घटना में एक विशेष महत्व इस घटना को दिया जाता है, इस अवसर को दिया जाता है, समय को दिया जाता है जब जो है मांगलिक कार्यों कार्यक्रम जो है क्रियाकलाप जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। अपने आप एक विशेष यह समय होता है। आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति से, वैसे तो 26 दिसंबर से ही कुछ समय बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पर जैसे ही 14-15 तारीख यानी जनवरी का मकर संक्रांति का जो पर्व आता है, ठीक उस समय समय लगभग आधे घंटे के आसपास बढ़ चुका होता है, यानी दिन बड़ा हो चुका होता है। तो बहुत बड़ा यह अवसर है और श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार यहां पर वर्णन आता है, प्राणांतर वहां पर चर्चा आती है कि गंगा सागर में आज के दिन एक विशेष मेला लगता है जिसे मकरानी मकर संक्रांति का मेला कहते हैं। अनेक अनेक क्षेत्रों में, उत्तराखंड में कई स्थानों पर यह गेंद के मेले के रूप में या पोंगल के रूप में जैसे साउथ में देखा जाता है, तो इस पर्व को अलग अलग नामों के हिसाब से तो देखते हैं, लेकिन उत्साह और मान्यताओं की दृष्टि से देखा जाए तो यह पर्व जो है सभी जगह काफी महत्व इसका जो है और महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर आपको क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि अगर मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का छौर कर्म नहीं करना चाहिए, आप समझ रहे हैं, यानी हजामत बनाना हो, बाल काटने हो, तो ये कर्म, नाखून काटने हो, ये जो संक्रांति का समय है, मकर संक्रांति का विशेषकर, वैसे तो कोई भी संक्रांति हो लेकिन खासकर मकर संक्रांति की हम बात करेंगे तो उस दिन यह सभी कर्म निंदित माने गए हैं। साथ ही साथ संभोग आदि क्रियाएं, संतत उत्पत्ति के लिए भी अगर प्रयासरत हैं तो भी आप इस दिन का परहेज करें, क्योंकि अगर इस दिन पर संभावनाएं, काम वासनाएं अगर बनती हैं तो उससे जो सूर्य का बल है वह काफी कमजोर हो जाता है। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का मतलब ही होता है कि आपकी आत्मा, वैसे तो सूर्य जगत तस्तुखश्चः, यह अपने आप में जगत के लिए एक नया स्वरूप प्रकट करने वाले हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की प्रवेश, जैसे ही भगवान सूर्य का उदित काल होता है, जैसे वो इस प्रवेश में प्रवेश करते हैं तो सबके लिए एक नया दिन लेकर के आते हैं। तो ऐसे समय में सूर्य जब उत्तरायण कर रहे हों, पर्व काल हो, और इस बार विशेष संयोग और भी बन रहा है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र रहेगा और ब्रह्मादिक योग, ब्रह्म योग जो है उस समय बन रहा है, और ये विशेष संयोग इस बार संक्रांति में बन रहा है। तो अब मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और क्या उस दिन करना चाहिए, विशेष यज्ञ है, पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, हवन है, हवन में आप गायत्री मंत्र से आहुतियां डाल सकते हैं, गंगा आदि नदियों में जो भी आपके आसपास सरोवर है, तालाब है, उसमें स्नान करें, और साथ ही साथ जो है स्नान के पश्चात
कुछ दान आदि उसमें दें। तो आज के लिए जो श्रेष्ठतम दान माना गया है वो उड़द और दाल की खिचड़ी का माना गया है। दोनों को मिलाकर नमक आदि और भी चीजें उसमें मिश्रित कर सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल और चावल आप मिश्रित करके उस और इसमें साथ में जो सामग्री है वह इसको दान करें, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं। तिल आदि का इसमें तेल भी आप सम्मिलित कर सकते हैं या सरसों का तेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही जो है आप गुड़ और तिल का भी आप इसमें मिश्रण को मिला करके या रबड़ियां बना करके, जो रेवड़ी आती है मार्केट में, उसको भी आप जो है दान स्वरूप जो है आप उसको वितरण कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप वितरण कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें मकर संक्रांति पर करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, सरोवर आदि में स्नान, कहीं भी जो भी नदियां आपके आसपास है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जहां पर भी आप इस चर्चा को सुन रहे हैं देश विदेश के अंदर जहां पर है, तो जो भी वहां पर उपलब्ध हो पा रहा है उस हिसाब से आप स्नान करें। और घर में भी आप करते हैं, मान लो हैंडपंप का पानी है, समर सिविल आदि का पानी है, तो बहुत अच्छा है कि आप उससे स्नान करें, अगर गंगा आदि नदियों के आसपास आप नहीं है, कहीं दूर है, और हो सके तो आपके पास गंगा जल है उसी को जल में मिला लें, नहीं है, क्योंकि ये तो गंगा है और गंगा का महत्व तो आप सब जानते हैं। गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु रूपम सगच्छति, अर्थात इसकी महिमा किसी से छुपी भी नहीं है। तो आप इस रूप में भी जो है स्नान बंदन आदि कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको तिल और गुड़ का दान और उड़द की दाल और चावल का दान ये आपको देना है। हवन आदि में आप घर में भी कर सकते हैं, सामूहिक रूप में 10-20 लोग एकत्र होकर भी कर सकते हैं, है ना, एक सामूहिक अनुष्ठान के रूप में, यज्ञ के रूप में कर सकते हैं। तो ये उत्सव और महोत्सव जो है यह आपके सामने प्रकट होगा। अब हम बात कर लेते हैं राशि आदि के क्रम में, सबसे पहले मेष राशि की। जब ये खगोलीय घटनाएं यहां पर होंगी और भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि शनि उनके पुत्र हैं और सूर्य पिता है। पिता जब भी आपने देखा होगा कि पुत्र के यहाँ जाता है तो उसके मन में उत्साह होता है, पुत्र के प्रति उसका स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, चाहे पुत्र कितना बड़ा हो जाए। लेकिन फिर भी एक चीज यहाँ पर है कि सूर्य और शनि की जो आपसी जो ट्यूनिंग है वो जब न मिलने के कारण से कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर अपने आप को असहज भी महसूस करेंगे। दूसरा एक और भी चीज है, जब वह अपने पुत्र के यहाँ जा रहे हो, चाहे कारण कुछ भी हो, तो दूसरे अपने वहां पर जा रहे हैं और साथ में उनकी बहुत अच्छी मैत्री भी आपस में नहीं है, ऐसे में सूर्य का यहाँ पर असहज होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। आप समझ रहे होंगे, ऐसे में जब मेष राशि की हम चर्चा करेंगे, दशम भाव पिता के स्थान में जो है यहाँ पर शनि के घर में वह प्रवेश करेंगे। मेष राशि के लिए इतना मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पिता के साथ यदि वैमनस्य की स्थिति है तो इसको आप सुधार करने का प्रयास करें। स्तुतियां प्रस्तुतियां बहुत सारी हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं, अलग अलग स्तुतियां हो सकती हैं, लेकिन पिता का कारक, आत्मा का कारक सूर्य यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, शनि की प्रतिकूलताओं में यह समय जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियों से आप बचें। और हो सकता है कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आप राजकीय जो कार्य हैं, असंवैधानिक जो कार्य हैं, उसको उसमें आप कहीं ना कहीं उससे दूर हट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों में न उलझें कि जो शास्त्र परंपरा विरुद्ध हो, जो नियम के विरुद्ध हो, इन लीगल जो काम है उनके आसपास बिल्कुल भी आप अपना प्रवेश ना करें। या ऐसे कोई मान लो अपने ही व्यक्ति हैं जो इन लीगली कोई काम कर रहे हैं तो उनका हमें साथ भी खास, वैसे तो हमेशा नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इस पीरियड में अगर आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ये आप पर भी समस्या आ सकती है। धनागम के मामले में देखा जाए, धनस्थिति के मामले में यहाँ पर स्थिति सामान्य रहेगी, बेहतर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर आदि हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यहाँ पर लाभप्रद हो सकता है, लेकिन वाद विवाद से थोड़ा सा नाता और रिश्ता दूर रखें। अगर हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, यहाँ पर त्रिकोण के अंदर यह स्तुति अच्छी बन रही है, जो आपके राजकीय कार्यों को भी यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा और आपके भाग्य में भी प्रवर्धन का कार्य करेगा, तो भाग्य के लिए यहाँ पर अच्छा है वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए इसके साथ ही यहाँ पर अगर कोई रुका हुआ कार्य है तो उसके बनने की भी प्रबल संभावना यहाँ पर बन जाती हैं, अर्थात आपको कोई नए कार्य करने थे तो आप मकर संक्रांति के बाद यहाँ पर जो महीना है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, आप इस माह में 15 जनवरी के बाद जो है आप उन कार्यों को कर सकते हैं। तो यह स्थिति यहाँ पर बेहतर है, 15 के बाद यहाँ पर काफी कुछ ज्योतिषी आधार देखा जाए तो काफी यहाँ पर बेहतर साबित आपके लिए होगा।
अगर हम मिथुन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर अष्टम में होंगे सूर्य। तो अष्टम में सूर्य जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सूर्य अष्टम में आना वैसे भी यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है, मान सम्मान की दृष्टि से भी यहाँ पर आक्षेप आदि कोई लग सकते हैं, कोई किसी कार्य में आपका इन्वॉल्वमेंट ना होने पर भी आपका थोड़ा सा भी वहां पर अगर किसी प्रकार से आप हैं तो उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आप पर अपमान स्थितियां बन सकती हैं, लांछन की स्थितियां बन सकती हैं, चोट आदि का भय बना रह सकता है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है। खासकर अस्थि जनित समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं, जो बुढ़ापे में जो लोग हैं यानी वृद्धावस्था जिनके, उनको थोड़ा सा अपना सावधानी रखना चाहिए, या सूर्य जिनकी कुंडली में भी कमजोर है उनको खासकर यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सूर्य की महादशाएं चल रही हैं तो वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर सजग और सावधान रहे। जो कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए कहीं ना कहीं ये स्तुति बहुत ज्यादा श्रेष्ठतम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सप्तम भाव पर आपके विचरण करेंगे, एक तरफ शनि गोचर में वहां पे हैं और दूसरा सूर्य भी वहां पर है, दोनों की आपसी वैमनुष्यताएं भी हैं, समझ रहे हैं, और शनि और सूर्य दोनों ही खासकर दाम्पत्य जीवन में अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी है, वाद विवाद से बिल्कुल दूर हटकर रहना है। जिनके पारिवारिक जीवन वैसे भी थोड़ा सा अगर उथल पुथल की स्थिति रहती है उनको काफी जो है सजग इस दौरान रहना चाहिए, वाद विवाद यहाँ पर बढ़ सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में हो या फिर आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो वहां पर भी ये थोड़ा सा आपको समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप के अंदर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो उनको अपने पार्टनर के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखना चाहिए, और जो मैंने उपाय बताए हैं स्टार्टिंग में आप उनको जरूर करें और उस पर पूर्ण ध्यान रखें। सिंह की बात कर लेते हैं, सष्टम भाव के अंदर कर्ज के लेन देन से बिल्कुल आपको दूर रहना है, कहीं ना कहीं मान सम्मान की भी परवाह रखनी है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई कार्य दूसरा करे और आपका इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से आप भी उसमें गेहूं में जो है घुण की तरह आप पिसे, तो उससे आपको दूर रहना है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर किसी भी समाज के अंदर हो, किसी भी परिवेश में हो, आपको वाणी का संयम पूर्ण आपको बनाकर रखना है, अति उत्साह में आकर किसी प्रकार के कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं कि जिसका अंजाम आप पर जो है आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। कोई भी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा सोच समझ करके और उसके विषय में विचार करने के बाद ही आपको कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है रोग की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो पहले से समस्याएं से गुजरे हैं या जिनको अस्थिजनित या हार्ट आदि की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। कन्या के लिए बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के साथ साथ संतुति का भी यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी उत्पन्न कर सकता है, उनके लिए भी खास यहाँ पर ध्यान रखना आपको जो है जरूरी है। बच्चों के प्रति आपका जो ध्यान है वो यहाँ पर आकृष्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं संतति से लेकर के कोई समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। बच्चों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन व्यापारी वर्ग है इनके लिए भी यहाँ पर समय अच्छा रहेगा, धनागम की दृष्टि से तो अच्छा रहेगा लेकिन ये यहाँ पर जो है संतति पक्ष से थोड़ा सा यहाँ पर चिंता देखी जा सकती है। अगर तुला की बात करें तो सुख संसाधनों में वृद्धि के भी संकेत बन रहे हैं, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि में कोई काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर आप हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर लाभ की भी संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन साथ साथ में आपको अपयश भी कोई झेलना पड़ सकता है, उससे भी आपको ध्यान थोड़ा सा आपको उसको भी रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो आपने जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे आप जो है सलाह मशवरा करके ही आप आगे बढ़े। अगर हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के, तो वृश्चिक राशि के लिए पराक्रम भाव में यहाँ पर जो है सूर्य बैठेंगे। पराक्रम भाव पर सूर्य बैठने से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पराक्रम में वृद्धि तो होगी, साथ ही साथ जो है आपका कहीं ना कहीं वो भी मान के चलें कि आपको मेहनत के साथ साथ रहमत की स्थितियां जिसको कहते हैं वो यहाँ पर बनी रहेंगी, नए काम नए आयाम जो है आपको प्राप्त होंगे, कद और पद यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। धनुराशि के लिए बात कर लेते तो धन भाव की स्थिति यानी द्वितीय भाव में यहाँ पर दोनों की युति रहेगी, कहीं ना कहीं खर्चों को लेकर आपकी यहाँ पर बाहुलता देखी जा सकती है, और कहीं ना कहीं अगर कोई धनागम के ऐसे मार्ग हैं जो संवेदनशील हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की भी आवश्यकता हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर पैतृक कोई समस्याएं थी, पैतृक प्रॉपर्टी का कोई विवाद था तो आपको वह आपके पक्ष में भी जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको
यहाँ पर सावधानी और नरमी के साथ आपको इसमें हस्तक्षेप रखना चाहिए ताकि आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। मकर की बात कर लें तो मकर राशि के लगन पर ही यह संचरण काल रहेगा, कहीं ना कहीं उद्विग्न स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, वैसे विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अस्थि जनित जो समस्या है उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। वायु आदि की जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और कहीं ना कहीं वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो इनलीगल है उसमें आपका कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति में आपकी अप्रोच में जहाँ कोई कार्य कर रहा है तो वहां से भी थोड़ा सा आपको हटके रहना चाहिए, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा समस्याओं में डाल सकता है, मान सम्मान में यहाँ पर कमी देखी जा सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं उनसे परहेज करके आप रहेंगे तो आपको यह संचरण काल जो है आपको अच्छा लाभदायक रहेगा। जो उपाय मैंने पूर्व में बताया उनको आप जरूर करते रहें। अब हम कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं आमदनी से ज्यादा खर्चों पर यहाँ पर जोर रहेगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इस दौरान नहीं करना चाहिए और कोई भूमिकाबद्ध जो आपका प्लानिंग है जो काम करने का उसको आप कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। कोई नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर समय अच्छा रहेगा, आप इस दौरान कर सकते हैं, सूर्य भगवान की आप पर कृपा बनी रहेगी। अगर मीन राशि की बात कर लेते हैं तो धनागम के भाव में जाकर सूर्य विचरण करेंगे, धन के भाव पर करेंगे, आप आमदनी के स्रोत यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। शनि और सूर्य का दोनों का हालांकि स्थिति मिश्रण यहाँ पर बनी रहेगी, सामान्य बनी रहेगी, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में अपना जो कार्य है उसको करते हैं तो उसमें लाभ के भी प्रबल संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन कोई भी इनलीगल कार्य करने से आपको बचना चाहिए और जो इनलीगल कार्य करते हैं उनका सहयोग और उनका साथ भी आपको इस दौरान बहुत से दूरी बनाकर रखें ताकि आपको इससे कहीं ना कहीं अपमान या अपमान जैसी स्थितियां जो यहाँ पर संकेत हो रहे हैं उनसे आप पर कोई आंच ना आए। तो इन चीजों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए।